अब पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को सिर्फ पीएसके यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र के भरोसे ही नहीं रहना पड़ेगा। देश भर में जल्द ही प्रधान डाकघरों से पासपोर्ट बनवाने का काम जारी होने जा रहा है। दरअसल पासपोर्ट सेवा केंद्रों में आवेदकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने की कुछ जिम्मेदारी डाक विभाग को सौंपने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत प्रोसेसिंग से लेकर डिलीवरी तक का सारा काम डाकघर से होगा। शुरुआत में 25 जनवरी से कर्नाटक के मैसूर और गुजरात में दाहोद के दो प्रधान डाकघरों में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अगर यह योजना कामयाब हो जाती है तो देश के सभी प्रधान डाकघरों में पासपोर्ट बनाने का काम जारी हो जाएगा। इसके साथ ही इन पासपोर्ट सेवा केंद्रों को पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार हर साल करीब 1.5 करोड़ आवेदकों को पासपोर्ट जारी करती है और दिन पर दिन यह संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल पासपोर्ट बनवाने की जिम्मेदारी देश भर में फैले 38 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और उनसे संबद्ध 89 पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर है। पीएसके का संचालन निजी भागीदारी में टाटा समूह की कंपनी TCS द्वारा किया जाता है, लेकिन पासपोर्ट आवेदकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश भर में फैले पीएसके नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि पासपोर्ट आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए भारत सरकार देश भर में पासपोर्ट शिविरों का आयोजन कर रही है। विदेश मंत्रालय की योजना से जहां पासपोर्ट सेवा केंद्रों से बोझ घटेगा तो वही पासपोर्ट बनवाने में कम समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।